पाकिस्तान से आकर ग्रेटर नोएडा में रह रही सीमा हैदर का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ गया है। सीमा का दावा है कि वो सचिन मीणा के प्यार में पाकिस्तान से भारत पहुंची थी। ऑनलाइन गेम पबजी खेलने के दौरान सचिन और सीमा का प्यार परवान चढ़ा था। इसके बाद सीमा ने पाकिस्तान से यूएई और फिर नेपाल तक की हवाई जहाज से यात्रा की। इसके बाद वहां से बस के जरिए ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा पहुंच गई। खास बात यह है कि नेपाल से लेकर ग्रेटर नोएडा तक वो आधार कार्ड के जरिए खुद को भारतीय बताती रही। इस दौरान वो खुद को सचिन की पत्नी बताती रही। हालांकि सीमा पर पाकिस्तानी जासूस होने का भी शक था। इसे लेकर उसकी जांच भी चल रही है। इसे लेकर पिछले दिनों यूपी एटीएस की तरफ से 3 दिनों तक सीमा से पूछताछ हुई है। सीमा के अलावा सचिन और उसके पिता नेत्रपाल से भी यूपी एटीएस ने पूछताछ की। पूछताछ के बाद गुरुवार को रबुपुरा घर पर सीमा लौटी थी। अब शनिवार को अचानक उसके तबियत खराब होने की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि सचिन का स्वास्थ्य भी बिगड़ गया है। दोनों को घर पर ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है। इधर जांच के बीच शनिवार को सीमा और सचिन के वकील ने उसे रबुपुरा स्थित घर पर पहुंचकर दोनों से मुलाकात की। बता दें कि गुरुवार को यूपी एटीएस ने सीमा को सचिन के रबुपुरा स्थित घर पर छोड़ा था। शुक्रवार को दिन भर सचिन के घर पर हलचल रही। मीडिया कर्मियों का जवाबड़ा रहा। पुलिस की मौजूदगी में सीमा ने मीडिया कर्मियों से बात की। इस दौरान सचिन भी साथ रहा। दोनों की तबीयत रात को बिगड़ी। इसके बाद डॉक्टर को बुलाकर इलाज शुरू कराया गया। डॉक्टर ने चेकअप के बाद कुछ दवाएं दी हैं। खास बात यह भी है कि सीमा से मुलाकात करने शनिवार को एक वकील भी पहुंचे। सीमा और सचिन से यूपी एटीएस की पूछताछ के बाद वकील के पहुंचने को लेकर कयासों का दौर भी शुरू हो गया है। सीमा का कहना है कि हमने एटीएस के सामने सब कुछ सच बताया, कुछ भी छिपाया नहीं है। प्रेम के कारण बिना वीजा भारत आने की बात उसने की है। उसने ये भी कहा है कि वीजा के लिए कोशिश की थी लेकिन उसे नहीं मिल पाया। ऐसे में उसे गैर कानूनी कदम उठाना पड़ा। उसने मीडिया के सामने कहा है कि अब मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी, मेरी लाश ही पाकिस्तान जाएगी। पाकिस्तान में अपनी जान को खतरा बताया है। साथी परिवार के लोगों से बातचीत और जासूस के सवाल पर भी उसने जवाब दिया था। दरअसल साल 2019 में पबजी गेम से संपर्क में आए पाकिस्तानी सीमा हैदर और सचिन मीणा की प्रेम कहानी अलग ही मोड़ पर पहुंच गई है। सीमा को लेकर तरह तरह की चर्चा चल रही है। जांच एजेंसियां पाकिस्तान से उसके भारत आने के मंसूबों की जानकारी ले रही है। सीमा ने इस बीच राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका लगाकर उनसे भारत की नागरिकता देने की गुहार लगाई है। सीमा का कहना है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूं। अगर एक झूठ बोलूंगी तो उसे छुपाने के लिए मुझे 1000 झूठ बोलने होंगे, इसलिए जांच एजेंसियों को मैंने केवल सच बताया है। मैं पाकिस्तान से केवल सचिन के प्रेम में पढ़कर यहाँ आई हूँ, मेरी और कोई मंशा नहीं है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।